नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। कच्चे तेल की कीमतों में विदेशी मुद्रा दर, मांग, आपूर्ति और लोकल टैक्स के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करती है। 29 अगस्त को ईंधन की नई कीमतें जारी हो चुकी है। कहीं बढ़ोतरी तो कहीं गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को कई राज्यों में बदलाव हुआ है। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान और तमिलनाडु में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में गिरावट आई है। वहीं आपको बता दें कि महानगरों में फ्यूल के रेट स्थिर हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 94.72 रुपए और डीजल का भाव 87.62 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए और डीजल की 89.97 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.95 रुपए और डीजल का 91.76 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए और डीजल की 89.97 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज आगरमालवा, बड़वानी, भिंड, भोपाल, झाबुआ, मंडला, रायसेन, रीवा, सिवनी और शिवपुरी में गिरावट देखने को मिली है। अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, सागर, सिरोही, शाजापुर, सिंगरौली और उज्जैन में वृद्धि हुई है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत भोपाल में जो है 106.29 रुपए, इंदौर में 106.50 रुपए, ग्वालियर में 106.40 रुपए, जबलपुर में 106.49 रुपए, रीवा में 108.87 रुपए और उज्जैन में 106.98 रुपए है। वहीं एक लीटर डीजल की कीमत भोपाल में 91.68 रुपए, इंदौर में 91.90 रुपए, ग्वालियर में 91.78 रुपए, जबलपुर में 91.88 रुपए, रीवा में 94.06 रुपए और उज्जैन में 92.32 रुपए है। ग्लोबल मार्केट में आज भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रांड क्रूड का भाव 78.74 डॉलर प्रति बैरल है। वहीं WTI क्रूड का कीमत 74.68 डॉलर प्रति बैरल है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।